फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अजय जी, जैसा आपने बताया था कि ग्वार गम ग्वार सीड में अब यहाँ से धीरे धीरे तेजी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक वैसे ही हम अब होते हुए भी देख रहे हैं। ग्वार गम का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 11,300 के ऊपर है, और ग्वार गम के अप्रैल वायदा को हमने बीते दो ट्रेडिंग सेशन पहले 11,500 पर भी ट्रेड करते हुए देखा था। वहीं ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6100 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो अजय जी, अब यहाँ से आपको क्या लगता है, आज कुछ हल्की हल्की करेक्शन आई है, तो क्या करेक्शन यहाँ से अभी थोड़ी बढ़ जाएगी या फिर इन लेवल से जो रैली है वो आगे एक्सटेंड होगी? देखिए, मुझे लगता है फंडामेंटल गवार के काफी शानदार है। नोटअप पहले जैसे मैंने आपके चैनल पे बताया था कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स में गवार में काफी मंदी में था। इनफैक्ट हमने पिछले हफ्तों में 5600 का लेवल भी गवार सीड में बनते हुए देखा था। बट अब जी ढंग से रशिया से यूएस ने मना किया है कि हम तेल नहीं लेंगे और खुद के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो आई थिंक 13 मिलियन बैरल तक के प्रोडक्शन पहुंचने की उम्मीद है आईईए की भी, जो कहीं ना कहीं गवार को सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहा है, जो पिछले एक हफ्ते में तेजी आई थी, 5600 से हमने 6300 तक का एक भाव देखा था। अब मुझे लगता है कि प्राइसेस में सब कंसोलिडेशन है, बट अगर कोई 2 से 3 महीने की अवधि के लिए प्लान करके बाइंग किया जाए तो करंट लेवल 6100 काफी शानदार है, यहाँ पे लेके चलिए। जो अप साइड में हमें लगता है कि करीबन 6550 का पहला लेवल है जो अप्रैल अंत तक छोड़ेगा, और एक बार ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो हाई साइड में हमें लगता है कि 8000 तक का भी लेवल हम अगस्त तक प्राइस में बनते हुए देख पाएंगे। जी,